जीवन की कुछ बेहतरीन सीख। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वह 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि अपने बेटे को यह टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है, ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बनाने का काम सीखने को। पिताजी ने लड़का को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था, पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो। लड़का बोला कि आज मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपये में बेचकर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी, तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपये में बिकी। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची। लड़के ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपये की बिकी है। पिताजी ने यह सब सुनकर लड़के से कहा, बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपये में बिक सके। लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद 20 रुपये की टोकरी बेचते आए हैं, आप मुझे 40 रुपये की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे। आप रहने दो, आपसे ज़्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसे ही कुछ मैंने भी कहा था। जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपए की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपए में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपए की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने से मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज़्यादा की तो बेच कर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपए की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज़्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। कहानी हमें सिखाती है, हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।